सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहा और भी हैं। इसी शबो रोज़ में उलझ कर ना रह जा कि तेरे ज़मी और मका और भी हैं। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहां होती हैं आम लोगों की बहुत ख़ास कहानियां जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, शुरुआत करते हैं आज के इस विशेष प्रोग्राम की। तो प्रोग्राम की शुरुआत में चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही अनोखे कैफ़े में। जी हाँ, हम मौजूद हैं दिल्ली के हंसराज कॉलेज में और यहाँ पर ये है मिट्टी कैफ़े, जो बहुत ख़ास इसलिए है क्योंकि ये दिव्यांगों द्वारा संचालित किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मिट्टी कैफ़े में। टेबल पर ऑर्डर लेते दिव्यांग, मैनेजर, शेफ और कैशियर सभी दिव्यांग। जी हाँ, ये दुनिया है मिट्टी कैफे की। मिट्टी कैफे के देश भर में ऐसे कई आउटलेट्स हैं जो दिव्यांग चला रहे हैं। अभी हमारे पास 42 कैफेज है इन 8 इंडियन सिटीज एंड ऑलमोस्ट 500 लोग PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी काम करते हैं मिट्टी कैफे में। देन वी हैव ऑल्सो ट्रेन मोर देन 5000 पीपल एम्प्लॉयमेंट के लिए। कोई लोग मिट्टी कैफे में ही काम करते हैं एंड फ्यू पीपल वो दूसरे कंपनी में भी प्लेस होते हैं। साल 2017 में 2-3 लोगों से शुरू हुए इस मिट्टी कैफे के आज देश भर में कई आउटलेट्स हैं, जिसमें सैकड़ों दिव्यांग लोग काम कर रहे हैं। खास बात ये है कि ये सभी कर्मचारी शारीरिक या फिर मानसिक तौर पर दिव्यांग हैं। दरअसल मिट्टी कैफे एक ऐसा कैफे है जिसका उद्देश्य दिव्यांगों को रोजगार देना है, ताकि वो अपनी जिंदगी सम्मान और आत्मनिर्भरता से जी सकें। मेरा नाम निक्की है, मैं मिट्टी कैफे में 1 साल से काम कर रही हूँ और मैं मिट्टी कैफे में कैशियर का काम करती हूँ और अभी फ़िलहाल मैं सुप्रीम कोर्ट में काम कर रही हूँ। यहाँ पर काम करने में हमें बहुत मज़ा आता है। जो नए बच्चे ट्रेनिंग में हैं उनको हम सिखा रहे हैं, पहले यहाँ पे थ्योरी सिखा रहे हैं, फिर हम उनको एक एक करके प्रैक्टिकल सिखाएंगे कि हमारे पे क्या क्या बनता है और क्या क्या रॉ मटेरियल डालेंगे, कैसे उनको तैयार किया जाता है। सब मुझे यही कहते थे कुछ नहीं कर सकते हैं, लाएंगे कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, कैसे करेंगे, लेकिन मैम हम कर सकते हैं, जब हमको ऑफर मिलता है तो हम करते हैं काम। जी, मैं इस कैफे में मैं मैनेजमेंट भी हूँ, कैशियर भी हूँ और सारे स्टाफ को मैं मैनेज भी करता हूँ कि क्या करना है नहीं करना है और कोई कस्टमर आ गए तो उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे बातें करनी है और स्माइली फेस रखते हैं हम लोग ताकि कस्टमर भी यहाँ आए तो फ्रेश मूड बना के जाए। ये कैफे ना सिर्फ लोगों का पेट भर रहा है बल्कि दिव्यांगों की जिंदगी को रोशन कर रहा है। मिट्टी कैफे सिर्फ एक कैफे नहीं है, ये सशक्तिकरण और समावेशन का केंद्र है। यहाँ सभी को सार्थक रोजगार मिल रहा है और अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिल रहा है। ये कैफे एक मॉडल बन गया है कि कैसे व्यवसाय समाज पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। ये कहानी है इन दिव्यांगों के अथक प्रयासों और जज्बे की, जिसने रूढ़िवादिता को तोड़ दिया है और प्रदर्शित किया है कि अगर मौका मिले तो दिव्यांग समाज में सार्थक योगदान दे सकते हैं। कैफे में अपने काम के माध्यम से ये दिव्यांग वित्तीय स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और अपनेपन की भावना प्राप्त कर रहे हैं। जो दिव्यांग जन है वो काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ विद्यार्थी रहते थे, मैं देखती थी कि वो विद्यार्थी जो है पढ़ने के बाद जॉब के लिए परेशान होते थे, अगर उनके कोई हेल्प कर देता था तो उनके मन में भी आता था कि हमारे पर कोई एहसान मतलब इस तरह से जता रहा है, या उन बच्चों को अच्छा फील नहीं होता था। तो जब मैंने मिट्टी कैफ़े का कॉन्सेप्ट सुना कि इनका जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली दिव्यांग जन को जॉब अपॉर्चुनिटी देना है, जॉब अपॉर्चुनिटी केवल जॉब नहीं है, यानी इनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना, इनको जो है स्वावलंबी बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, जिससे कि इनके मन में आत्मविश्वास पैदा हो। एक जो इसका बहुत अच्छा एस्पेक्ट यह है कि हमारा कैंपस जितने भी मिट्टी कैफे दिल्ली NCR में अभी तक खुले हैं या आगे खुलेंगे, जैसे पीछे सुप्रीम कोर्ट में खुला और अब राष्ट्रपति भवन में खुलने वाला है, उनकी ट्रेनिंग हमारे कैंपस में होती है। बात अगर यहाँ के भोजन की जाए तो इन दिव्यांगों द्वारा प्यार और देखभाल से तैयार किया गया ये स्वादिष्ट भोजन लोगों के दिलों को छू जाता है। शानदार स्नैक्स से लेकर मुंह में पानी ला देने वाले मुख्य व्यंजन
और मिठाइयां तक मिट्टी कैफे की शोभा में चार चांद लगाते हैं। मिट्टी कैफे परिचायक है इस बात का कि दिव्यांगों को सहानुभूति की नहीं बल्कि अवसर की जरूरत है और मौका मिलने पर वो अपने कौशल से दुनिया को जीत सकते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दिल्ली से अपने सहयोगी मोहित के साथ शहला निगार, डीडी न्यूज। तो मिट्टी कैफे में काम कर रहे ये लोग इस बात के परिचायक हैं कि दिव्यांगों को सहानुभूति की नहीं बल्कि अवसर की ज़रूरत है और जब भी अवसर मिलता है वो ये करके दिखाते हैं कि हाँ हम ये कर सकते हैं। और बात जब मिट्टी की हो रही है तो मिट्टी के सुराही और घड़ों की भी होगी। जी हाँ, गर्मी का मौसम है, एक समय था जब हर घर में मिट्टी के घड़े, सुराही और कटोरे मिल जाते थे, लेकिन आज वो मुश्किल से ही देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको लेकर चलेंगे उमरिया में, जहाँ पर मिट्टी की सुराही, मिट्टी की बोतलें लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं और इन गर्मियों में उनकी खूब मांग है। उमरिया जिले के चंदिया नगर के कुम्हारों के द्वारा बनाई जाने वाली सुराही पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार यहाँ के कलाकारों ने आकर्षक बोतलें बनाकर सभी का मन मोह लिया है। आकर्षक चटक रंग की ये बोतलें पहली नजर में ही लोगों का मन मोह लेती हैं। तरह तरह के आकार की बनी इन बोतलों का पानी सेहत को दुरुस्त रखने में काफी मदद कर रहा है। मिट्टी से मिलने वाले आवश्यक मिनरल पानी के साथ साथ शरीर में पहुंचने से लोगों को सेहत का फायदा भी हो रहा है। जब सुराही मटके बनते थे तो कुछ और था, अब कुछ बाटल बनने लगा है, इससे ज्यादा आमदनी होने लगी। और जो फ्रिज का चलता था वो उसके नुकसान करता, अब ये बाटल चलने लगा, तब से बहुत आदमी लेने लगे हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी होने लगी है। ये कलाकार मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड से प्रशिक्षण प्राप्त है। इन्होंने बेहद कम दामों वाली आकर्षक थर्मस नुमा बोतलें तैयार की हैं, जो सेहत के लिहाज से लाभदायक हैं। जिला पंचायत खादी ग्राम उद्योग माटी कला बोर्ड भोपाल से ये टीम आई थी, हम लोग इसे सीखे हैं। सीखने के बाद इसको अनेक प्रकार के बोतल बनाए, डिजाइनिंग बोतल बनाए हैं और पानी जैसे पीते हैं तो ठंडा होता है और जैसे बाज़ार की जो बोतलें हैं उसमें पानी भरते हैं तो ठंडा जरूर रहेगा लेकिन उसमें तत्व नहीं मिलेंगे। दरअसल खान पान में बढ़ते रासायनिक पदार्थों के इस्तेमाल से लोगों को असमय गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देसी मिट्टी से बनी ये बोतलें लोगों को ठंडा पानी उपलब्ध कराने में सहायक तो हैं ही, इसके अलावा सेहत की पूंजी को बचाने में भी मददगार साबित हो रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उमरिया से अरुण त्रिपाठी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गर्मी के मौसम में मिट्टी में रखा हुआ पानी मन को सुकून तो देता ही है, साथ ही साथ ये सेहत के लिहाज से भी बहुत ही मुफीद होता है। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को अभी जारी रखेंगे, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी, कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण, देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार 2:00 PM सिर्फ डीडी न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भार,
खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ, सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे सुकून से भरा नया सवेरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि मधुमक्खियाँ मनुष्यों और प्रकृति के अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये परागण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये भी कहा जाता है कि शहद बहुत स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण होते हैं। लेकिन अगर शहद में मिलावट हो तो इसके बहुत दुष्परिणाम भी होते हैं। और इसीलिए अहमदाबाद के युवाओं ने शुरू किया है एक खास स्टार्टअप, जो ये चाहते हैं कि हर टेबल पर शहद हो और वो चीनी का स्थान ले ले। अक्सर आपने अलग अलग जानवरों को गोद लेने की बात सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि आप मधुमक्खी को भी गोद ले सकते हैं और उससे मिलने वाले शुद्ध शहद को अपनी रोजाना की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है पंचामृत में शहद भी शामिल होता है, जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। और इसीलिए अहमदाबाद के युवाओं ने शुरू किया है शहद का एक खास स्टार्टअप। ये युवा मानते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने के अलावा वो ऐसे व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे जिससे जनता को फायदा हो। उनके शोध ने मधुमक्खी पालन और शुद्ध शहद के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें मधुमक्खी की रियल टाइम मॉनिटरिंग कर उनका स्वास्थ्य, क्लाइमेट चेंज के हिसाब से उनमें क्या बदलाव हो रहा है, साथ ही किसान को पॉलिनेशन में कितना फायदा हुआ इसकी जानकारी मिल पाएगी। जो भी मधुमक्खी को गोद लेना चाहते हैं उन्हें एक फॉर्म भरना होगा और उसके 7 दिन के अंदर हम इस जानकारी का पता लगाएंगे कि गुजरात के किस बी कीपर की किस हाईवे को गोद लेने के लिए दिया जा सकता है और किस बी हाइव को सुधारने की जरूरत है और उसके नई तकनीक के सहारे तैयार किया जाएगा। इन लोगों ने बाकायदा शहद की खेती का प्रशिक्षण लिया। एक छोटी सी शुरुआत के साथ एक प्रयोग के रूप में शुरू हुआ ये काम अब अन्य स्थानीय लोगों के लिए एक केस स्टडी बन गया है और इससे एक स्थिर आय उत्पन्न हो रही है। कई लोग जो रेगुलर तौर पर शहद का इस्तेमाल करते हैं वो अपने मधुमक्खी पालन और उससे बनने वाले शहद की मॉनिटरिंग भी खुद कर सकते हैं और बिना किसी संदेह के उसकी शुद्धता को परख सकते हैं। कहीं शहद में कॉफी का स्वाद तो कहीं जामुन, अजवाइन और अलग अलग फूलों के रस से बनने वाले फ्लेवर भी आजकल लोगों को स्वास्थ्य के साथ साथ बेहतर स्वाद भी दे रहे हैं। आजकल लोग हर चीज में अलग अलग फ्लेवर का स्वाद चाहते हैं, तो हम भी उन्हें शहद में भी अलग अलग स्वाद दे रहे हैं, जिसमें बच्चों को पसंद आने वाला लीची फ्लेवर, जामुन, साथ ही नीलगिरी के फूलों का शहद भी लोगों को पसंद आ रहा है। अजवाइन फ्लेवर जो अजवाइन के फूलों से बनता है वो लोग काफी पसंद कर रहे हैं। अपनी नई सोच और खुद पर भरोसा रखकर इन युवाओं ने अपनी सफलता की कहानी लिखी है। ये लोग आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। इन युवाओं का उद्देश्य शुद्ध शहद के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। वो चाहते हैं कि प्रत्येक डाइनिंग टेबल पर शहद हो और ये मिलावटी और अस्वास्थ्यकर चीनी के विकल्पों की जगह ले ले। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए अहमदाबाद से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आपको दिखाते हैं आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं की एक खास पहल। हम जानते हैं कि बहुत सारे किसान अपनी उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपनी उपज को, पैदावार को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं और इसके कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव होते हैं और साथ ही साथ ये मिट्टी की क्षमता को भी प्रभावित करता है। लेकिन आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आधारित एक माइक्रोजेल तैयार किया है जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और साथ ही साथ ये स्वास्थ्य की दिशा से, हमारी प्रकृति की दिशा से भी लाभदायक साबित होगा।
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी की एक शोध टीम ने प्राकृतिक पॉलीमर आधारित स्मार्ट माइक्रोजेल के विकास के साथ कृषि को भी बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। माना जा रहा है कि ये शोध न केवल कृषि के विकास के लिए बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण साबित होगा। अभी तक किसान पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों का अधिक प्रयोग करते हैं। ऐसा करने से एक तरफ लोगों को रसायन युक्त फसल खाने को मिलती है, तो वहीं दूसरी तरफ इससे पर्यावरण जमीन को भी बेहद नुकसान पहुंचता है। इसलिए सस्टेनेबल कृषि पद्धतियों की ओर बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए उर्वरकों का प्रयोग कम करना और उसका तकनीकी विकल्प खोज निकालना एक बड़ी उपलब्धि है। We all know that the demand for the food is continuously increasing because the global population is increasing, and to meet this demand, the fertilizers are applied to the fields. Now, a large fraction of these fertilizers are lost into the environment through leaching or gaseous volatilization. This increases the frequent application of the fertilizers in the field, and this ultimately leads to the higher production cost in the agriculture sector and also into the environmental pollution. To meet this challenge, we are developing polymer-based carriers that can help in achieving the slow release of fertilizers, both nitrogen-based fertilizers and phosphorus-based fertilizers, for a longer period of time. And this can help us to reduce the application of the fertilizers in the field. सराहनीय बात यह है कि इस शोध के निष्कर्ष अमेरिकन केमिकल सोसाइटी के प्रतिष्ठित जनरल ACS अप्लाइड मटेरियल्स एंड इंटरफेसेस में प्रकाशित हुए हैं। शोध कार्य का नेतृत्व डॉक्टर गरिमा अग्रवाल ने अपनी टीम के साथ किया, जिसमें स्कूल ऑफ केमिकल साइंसेज IIT मंडी से अंकिता धीमान, पीयूष थापर और डिम्पी भारद्वाज शामिल हैं। अनुसंधान को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, भारत सरकार और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई थी। We have developed the microgels that can release these fertilizers for longer time, and also we have tested them with maize crops, and we have seen that these formulations, they help in increasing the seed germination and the elongation. In future, we will be also analyzing the efficiency of the formulation for increasing the crop productivity. शोधकर्ताओं का कहना है कि microgel formulation पर्यावरण के अनुकूल है और biodegradable है, क्योंकि ये प्राकृतिक पॉलीमर से बना है। इसे मिट्टी में मिलाकर या पौधों की पत्तियों पर छिड़क कर लगाया जा सकता है। इस तकनीक का प्रयोग करके मक्के के पौधों के साथ हाल के अध्ययनों से पता चला है कि हमारा फॉर्मुलेशन शुद्ध यूरिया उर्वरक की तुलना में मक्के की बीज के अंकुरण और समग्र पौधों के विकास में काफी सुधार हुआ है। नाइट्रोजन और फास्फोरस उर्वरकों की ये निरंतर रिहाई उर्वरक के उपयोग में कटौती करते हुए फसलों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर जारी है। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व स्तर के बुनियादी ढांचे, भारत की फिनटेक क्रांति की कहानी मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की सफलता की, आर्थिक जगत की सुर्खियां, आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण, देखिए इकोनॉमी टुडे सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार 2:00 PM सिर्फ DD न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भार, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का,
सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, और अब आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक खास खबर, जहां एक टीम ने बीड़ा उठाया है सड़कों को सुरक्षित बनाने का। जी हां, इस टीम का नाम है ड्रीम टीम, और ये काम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। ये जगह जगह सड़कों के ऐसे पॉइंट्स पर उत्तल दर्पण स्थापित कर रहे हैं जहाँ एक्सीडेंट्स की संभावना होती है। कोल्हापुर, जो अपने 90 डिग्री मोड़ों के लिए जाना जाता है। कोल्हापुर को 6 प्रमुख चौराहों पर खतरनाक ब्लाइंड स्पॉट के कारण दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ा है। इन खतरनाक मोड़ों ने ड्राइवरों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे से निपटने के लिए बीड़ा उठाया है अर्पिता राउत, श्रुति चौगले, श्रेया चौगले, नेहा पाटिल और श्रेया प्रमोद चौगले की ड्रीम टीम ने। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और इन समस्याग्रस्त जंक्शनों पर वास्तविक उत्तल दर्पण यानी कि रियल कॉन्वेक्स मिरर्स स्थापित करने के लिए अपने स्वयं के पैसे का निवेश किया। सर्वेक्षण करने के बाद हमने समझा कि दुर्घटना चाहे बड़ी हो या छोटी, किसी भी व्यक्ति के लिए दर्दनाक होती है। इसलिए हमने दुर्घटनाओं से बबचने के लिए 90 डिग्री मोड़ वाले 7 स्थानों की पहचान की और उत्तल दर्पण लगाए। हमने एक बार एक एम्बुलेंस और कार को दुर्घटनाग्रस्त होते हुए देखा और उत्तल दर्पण लगाने का विचार आया। कोल्हापुर में कई स्थान ऐसे हैं जहां 90 डिग्री मोड़ हैं। हमने उन स्थानों की पहचान की और दर्पण लगाए ताकि सवार सड़क के दोनों ओर देख सकें और गति बनाए रख सकें और इस तरह की दुर्घटनाओं से बच सकें। ये युवा चैंपियन विभिन्न कॉलेजों से हैं जो समुदाय की भलाई की सोच रखते हैं। यहाँ तक कि कोविड-19 महामारी के बीच भी ये युवा महिलाएं आम लोगों के सपनों को साकार करने की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटी। अच्छी पहल के परिणाम भी बेहतर ही होते हैं। जहाँ सड़क 90 डिग्री मोड़ लेती है, उन स्थानों पर उत्तल दर्पण स्थापित करने से पहले ही वाहन के अचानक सामने आ जाने से होने वाली कई दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके लिए ड्रीम टीम को कोल्हापुर पुलिस यातायात शाखा से भी समर्थन मिला है। उत्तल दर्पण स्थापना की लागत लगभग 6,000 रुपए है। अपने खुद के पैसों से इन लोगों ने पूरे कोल्हापुर में प्रमुख स्थानों पर ये उत्तल दर्पण लगाए हैं। ये दर्शाता है शहर की सड़कों की सुरक्षा में सुधार के प्रति उनके गहरे समर्पण और प्रतिबद्धता को। इस उल्लेखनीय प्रयास ने न केवल कोल्हापुर की सड़कों को सुरक्षित बना दिया है, बल्कि इन युवाओं को अपने समुदाय के स्तंभ के रूप में भी स्थापित किया है। हमारे पास ऐसे युवा हैं जिन्होंने मिसाल कायम की है। कोविड काल से ही इन लड़कियों ने बहुत मदद की है। उन्होंने भोजन उपलब्ध कराया, पानी की कमी को दूर किया और अब उन्होंने कोल्हापुर रोड के 7 स्थानों पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए दर्पण लगाए हैं। लड़कियां समाज के लिए एक मिसाल है। ऐसी दुनिया में जहां निस्वार्थता और समुदाय की भागीदारी की खबरें अक्सर अधिक सनसनीखेज कहानियों के पीछे रह जाती हैं, ड्रीम टीम की कहानी समाज में वास्तविक बदलाव लाने वाले व्यक्तियों की इच्छा शक्ति का एक प्रमाण है। इन युवाओं ने साबित कर दिया है कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के साझा दृष्टिकोण से प्रेरित होने पर सपने वास्तव में सच हो सकते हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए महाराष्ट्र के कोल्हापुर से शशि गजवानी और रूही मलिक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने देखी हमारे देश के लोगों के हौसले और जज्बे की कहानियां। उम्मीद है आप सबको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा ये विशेष प्रोग्राम गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। अभी दीजिए अनुमति। नमस्कार।